हेलो एवरीवन, आज भी हम लोग फॉरफिशर ऑफ शेयर से ही आगे सवाल देखते हैं। आज उस स्थिति में देखते हैं जबकि शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया और उन शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, तो फिर क्या जर्नल एंट्री होगा, कैसे जर्नल एंट्री होगा। तो सबसे पहले फॉरफिशर ऑफ शेयर का मतलब समझ लेते हैं। फॉरफिशर ऑफ शेयर का मतलब है शेयर होल्डर्स में से किसी शेयर होल्डर के द्वारा अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी या दोनों ही का नहीं दिया जाना और इस कारण कंपनी के द्वारा उनके शेयर को कैंसिल कर देना और उनसे जो भी पैसा मिला है उसे जब्त कर लेना, इसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो देखते हैं सवाल। सवाल है, समरेस्ट लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 विच वेयर इश्यूड टू मदन एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3। समरेस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 500 शेयर जो मदन को इशू किए थे ₹10 वाले 20% प्रीमियम पे, 10 का 20% ₹2, यानी 10 प्लस ₹2, ₹12 पे इशू किया था मदन को 500 शेयर, उसे फॉरफिट कर लिया, उसे जब्त कर लिया। क्यों? इसलिए कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा ₹2 और फाइनल कॉल का पैसा ₹3 नहीं दिया। अच्छा, उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया क्या? तो भाई, जब यहाँ पे सवाल में ये नहीं लिखा है कि ये प्रीमियम का पैसा कब लिया गया, तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा रहा है सवाल में, तो ये अंडरस्टूड है कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में लिया गया होगा। और उसने पैसा देने में गड़बड़ी कहाँ पे की? तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। अलॉटमेंट का बारी फर्स्ट कॉल से पहले आता है, तो प्रीमियम का पैसा तो अलॉटमेंट में लिया गया, मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया, क्योंकि वो देने वाला गड़बड़ कहाँ पे किया, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। तो इसका मतलब है कि प्रीमियम का पैसा मिल गया है, तो उस स्थिति में फॉरफिट करने के लिए क्या एंट्री करेंगे। तो भाई, जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। किस अमाउंट से? तो जो अमाउंट उन शेयर्स पे मांगा गया है उस अमाउंट से। तो यहां पे मांगा कितना गया है? पूरा का पूरा ₹10। शेयर 10 का था, 10 का 10 मांगा गया, क्योंकि फाइनल कॉल तक ये मांगा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 5000। कैसे? तो 500 शेयर जिसे फॉरफिट किया जा रहा है मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट। कितना मांगा गया है? तो ₹10 मांग लिया गया, पूरा का पूरा मांग लिया गया, क्योंकि ₹2 फर्स्ट कॉल का उसने नहीं दिया और ₹3 फाइनल कॉल का नहीं दिया, मतलब फाइनल कॉल तक मांगा गया पैसा, तो 10 का 10 मांग लिया गया। तो जितना मांगा गया उसे शेयर कैपिटल अकाउंट को किया गया डेबिट। और क्रेडिट उन कॉल्स को करेंगे जिन पर पैसा नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 1000। कैसे? तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2 है ना, ठीक है। और टू कौन सा कॉलर नहीं मिला? तो फाइनल कॉल नहीं मिला, टू फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल कितना? तो 1500। कैसे? तो 500 × 3। और फॉरफिट करेंगे, कितना फॉरफिट करेंगे भाई? तो शेयर हमारा 10 का, 10 में से ₹5 मिल गया, ₹5 नहीं मिला। कैसे? तो फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे ₹3, दो दिन ₹5 नहीं मिला, 10 में 5 नहीं मिला, तो 5 मिल गया। तो जो पैसा मिल गया उसे जब्त करते हैं, उसे फॉरफिट करते हैं, उसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाएंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना? तो 2500। कैसे? 500 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, बीइंग 500 शेयर्स ऑफ मदन वेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में कैलकुलेशन मैंने दिखाया, ये समझने के लिए दिखाया आपके,
आपको जब सवाल बनाएंगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में इस तरह से डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, तो जयशंकर आर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 2 एंड द फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। जयशंकर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर था 10 रुपया वाला, ठीक है ना, उसने अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपया जिसमें कि प्रीमियम पे 2 रुपया था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया का वो उसने नहीं दिया और उसके शेयर को कर लिया गया जब्त, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, इस सवाल में फर्क, दोनों प्रीमियम पे इशू हुआ शेयर, पर यहां पे क्या था, प्रीमियम का पैसा मिल गया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम को एंट्री में कहीं भी नहीं दिखाया गया था और यहां पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है क्योंकि जयशंकर को जो 500 शेयर इशू किए 10 वाले उस पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और अलॉटमेंट के समय ही प्रीमियम का पैसा मांगा गया था 2 रुपया, ठीक है, तो नहीं मिला। और कहां नहीं मिला, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं मिला और उसके शेयर को जब्त कर लिया गया। तो यहां पे क्या करें, फर्क क्या हो गया, यहां प्रीमियम का पैसा मिल गया था तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को जर्नल एंट्री में कहीं दिखाया नहीं गया और यहां प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे भाई। तो सबसे पहले जब फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अमाउंट से, तो जो उन शेयर्स पे पैसा मांग लिया गया, तो कितना मांगा गया, तो यहां भी पूरा का पूरा पैसा मांग लिया गया फाइनल कॉल तक का, तो मतलब पूरा मतलब कितना, 10 से 10 रुपया मांग लिया गया, तो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, तो 5000। कैसे, तो 500 जितना शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, पूरा का पूरा 10 रुपया। और प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यही फर्क आया। यहां पे प्रीमियम मिल गया था तो जर्नल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, यहां पे नहीं मिला क्योंकि अलॉटमेंट से ही गड़बड़ हो गया पेमेंट और प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में लिया जाना था तो नहीं मिला है, तो क्या करेंगे उस स्थिति में, जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी करेंगे डेबिट, जो किया हमने यहां पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 1000। कैसे, 500 मल्टीप्लाई कितना प्रीमियम का पैसा, 2 रुपया, ठीक। 2, क्रेडिट किसे करेंगे, जो जो कॉल नहीं मिला, तो सबसे पहले अलॉटमेंट नहीं मिला तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, तो 5 रुपया पर शेयर, तो कितना हो गया, 2500, 500 × 5, ठीक है। और फिर क्या नहीं मिला, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 4 रुपया, तो 500 × 4, 2000। और जो मिल गया वह पैसा जब्त किया जाएगा, तो मिला कितना, तो भाई समझते हैं बात को, ये 4 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मिला और 5 रुपया अलॉटमेंट का जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का, उसे बाहर करते हैं, तो 4 रुपया फाइनल कॉल, ठीक है, और 5 में 2 रुपया प्रीमियम का बाहर करते हैं तो 3 रुपया अलॉटमेंट का, ठीक है, तो कितना हो गया, 7 रुपया है जो नहीं मिला, अच्छा 10 में 7 नहीं मिला तो मिला कितना पर शेयर, 3 रुपया, तो जो मिल गया उसे जब्त किया जाएगा, तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना, तो 3 रुपया ना, तो कितना हो गया, 1500 × 500 × 3, ठीक है, ये हो गया एंट्री। नरेशन बिंग 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट
ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब एक जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच एट रुपीज 12 पर शेयर। ब्लू स्टार ने 40,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले 12 रुपए की दर से, मतलब 2 रुपए प्रीमियम पे। The amount was payable as follow. Amount जो किस तरह से payable था? On application rupees 2, on allotment rupees 4, including premium. Allotment में 2 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है? On first call rupees 3 and final call rupees 3. All the shares were subscribed. सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए एंड अलॉटेड, और उन्हें अलॉट कर दिया गया। द कंपनी डिड नॉट पे मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया। दिलीप होल्डर ऑफ 400 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। दिलीप जो 400 शेयर का होल्डर था वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। हमें एंट्री करना है तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा लेने का एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन पे कितना पर शेयर? तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए पर शेयर, तो 40,000 शेयर मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 80,000 रुपए लिया गया एप्लीकेशन पे। ठीक है, बेइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 2 ईच रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स, और ये एप्लीकेशन मनी जो है इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 80,000 रुपया जो है कैपिटल में कर दिया गया एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर। बेइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, मांगने की एंट्री क्या होगा भाई? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, ठीक है, तो 40,000 × 2 80,000 रुपए, सॉरी 40,000 × 4 है ना, तो कितना हो गया? 160,000 रुपए, 160,000, जिसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? तो यहां पे 2 रुपए प्रीमियम का है तो 2 रुपए कैपिटल में जाएगा, तो 40,000 × 2 80,000 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, और 40,000 × 2 रुपए प्रीमियम, 80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में किया गया ट्रांसफर। ये अलॉटमेंट का पैसा मांगने का एंट्री। बीइंग अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 2 ईच, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 2 ईच ड्यू ऑन 40,000 शेयर। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट का पैसा मांगने का, और अलॉटमेंट का पैसा लेने का एंट्री। तो अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? तो 160,000। ठीक है, बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल,
अच्छा कौन सा कॉल कंपनी ने नहीं किया, तो फाइनल कॉल नहीं किया ना, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी कंपनी, तो उसके लिए एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना फर्स्ट कॉल पे कितना है, तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 3 120,000। बीइंग नरेशन है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3 ईच ऑन 40,000 शेयर। और यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल के टाइम में क्या नाम है दिलीप, जिसके 400 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया, तो भाई होता है कितना पैसा, तो होता है 40,000 मल्टीप्लाई 3 120,000, ये फर्स्ट कॉल का पैसा ना। लेकिन इसमें से 400 शेयर का पैसा नहीं आया, मतलब 400 मल्टीप्लाई 3 कितना 1200 रुपया नहीं आया, तो आया कितना, तो 800, 1,18,800 रुपया आएगा, है ना। तो एंट्री क्या होगा पैसा लेने का, पैसा आएगा कम, 400 शेयर का पैसा नहीं आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,800 टू शेयर अलॉटमेंट सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,18,800 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर ऑफ दिलीप, दिलीप के 400 शेयर को छोड़ के बाकी शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिल गया, ठीक है। अब ये जो शेयर जो दिलीप का है जिसने 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, उसे क्या किया जा रहा है, फॉरफिट कर लिया जा रहा है, और यहां पे फाइनल कॉल नहीं किया गया है, द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, उससे पहले ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिलीप ने नहीं दिया और उसी समय उसके शेयर को कर लिया गया जब फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो उसे उसके शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री करेंगे, तो यहां पे कर लेते हैं एंट्री शेयर को फॉरफिट करने का। तो जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो क्या करते हैं, जितने शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है उन पर जो भी पैसा मांगा गया उससे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, तो 400 शेयर, और मांगा कितना गया, इस पे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया ना, तो फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। और दूसरी बात, प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फिर एंट्री में प्रीमियम को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इस पर पैसा गया, कितना मांगा गया है, तो फाइनल कॉल नहीं मांगा गया, फाइनल कॉल 3 रुपए का नहीं मांगा गया, ठीक है। अब 10 का शेयर है जिसमें से कि 3 रुपया नहीं मांगा गया, तो कितना मांग लिया गया है, 7 रुपया मांग लिया गया है, तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,800 से, कैसे 400 शेयर मल्टीप्लाई 7, क्या होता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किस अमाउंट से, तो जितना मांग लिया गया, तो यहां पे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया, फाइनल कॉल था कितने का, 3 रुपए का, 10 का शेयर था, 3 रुपए नहीं मांगा गया, तो कितना मांग लिया गया, 7 रुपया मांग लिया गया, तो 400 मल्टीप्लाई 7 2,800 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब उस कॉल को क्रेडिट करते हैं जिसपे पैसा नहीं मिला, तो कौन से कॉल का पैसा नहीं मिला उसे, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे कितना था पर शेयर 3 रुपया, वो नहीं मिला, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, तो 400 × 3 1,200 रुपया, कितना 400 × 3। अब फॉरफिट कितना अमाउंट करेंगे, तो जो मिल गया है वो अमाउंट फॉरफिट करेंगे, मांगा गया था 7,
कॉल्डअप था कितना 7, जिसमें से मिला नहीं कितना, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला 3 रुपया, तो 4 रुपया मिल गया है, तो ये 4 रुपया फॉरफिट किया जाएगा पर शेयर। तो कितना शेयर है, 400 शेयर है, तो क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 1600, 400 × 4। फिर से एक बार समझते हैं, जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अमाउंट से, तो जितना मांग लिया गया है। तो यहां पे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया था जो कि 3 रुपए का था, फाइनल कॉल नहीं मांगा गया था जो कि 3 रुपए का, 10 का शेयर में 3 रुपए फाइनल कॉल नहीं मांगा गया, तो 7 रुपया मांगा गया, तो 7 रुपया से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हुआ 2800। कैसे, 7 रुपया पर शेयर मल्टीप्लाई 400 शेयर, 400 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो 400 शेयर मल्टीप्लाई 7, 2800 रुपया हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो कॉल नहीं मिला उसे क्रेडिट करेंगे, तो कौन सा कॉल नहीं दिया था, तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया था उसने, तो क्या हुआ, फर्स्ट कॉल कितने का था 3 रुपए का था, 400 × 3 1200 रुपया से फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया गया, और जो पैसा मिल गया है उसे फॉरफिट करेंगे, उसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाएंगे। तो कितना मिल गया भाई, 7 × 3 नहीं मिला तो 4 तो मिला, तो 400 × 4 1600 रुपया को फॉरफिट कर दिया, ठीक है। इसलिए वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2800, 400 × 7 2, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200, कैसे, तो 400 × 3 2, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 1600, कैसे, 400 × 4 बेइंग 400 शेयर्स ऑफ दिलीप वेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो ये हम लोगों ने शेयर के फॉरफिट करने से रिलेटेड एंट्रीज देखे, जबकि शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।